कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव पिछले एक महीने से जेल में हैं और पटना की सड़कों पे उनके समर्थक उतर गए हैं, पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कोरोना काल में सैकड़ों की संख्या में जो पप्पू यादव के समर्थक है वो सड़क पर हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। ये लोग डाक बंगला जाने का प्रयास कर रहे थे और तस्वीरों में देखिए सैकड़ों जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सड़क पर हैं, आज इतनी भीड़ में है, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल आप लोग नहीं पालन कर रहे हैं? हम लोग पूरे गाइडलाइन के साथ हैं और ये पूरे राज्यव्यापी लोक न्याय मार्च है। हम लोग को कई मांगों को लेकर एक महीना से ऊपर हो गया है। गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी की अभी रिहाई नहीं हुई है। बिहार सरकार पता नहीं कान में क्या डाले हुई है कि अभी तक रिहा क्यों नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात, स्कूल नहीं तो शुल्क नहीं, मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए और जो भी बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, नहीं तो रोजगार दो। और जो बिहार के अस्पतालों में बदहाली है उस बदहाली को दुरुस्त करो। कई मांगों को लेकर हम लोगों का ये लोक न्याय मार्च है, पूरे बिहार में पूरे राज्यव्यापी है। कई मांगों को लेकर लोक न्याय मार्च है। यहाँ पे देखिए जो कोतवाली पुलिस है जो इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, यहाँ पे समझा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल है। अब बताइएगा कोरोना प्रोटोकॉल का ये लोग पालन कर रहा है? नीतीश कुमार, ये लोग सड़क पर आए हैं, परमिशन लिया है? कोरोना का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन तो बताइएगा, देखिए सब लोग मास्क को लगाए हुए, खास तौर पे परमिशन भी नहीं लिया है। और नेताओं से हम बात करेंगे और जो यहाँ पे है, आप लोगों ने परमिशन भी नहीं लिया, मास्क भी नहीं लगाया, सड़क पर उतर आए, बताइए जी। गलती हो गया, लेकिन ये हम लोग का मार्च ये अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के खिलाफ जो हम लोग के चलते नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज है और पप्पू यादव जी को रिहा करने की मांग की जा रही है। उत्कर्ष कुमार, जनाधिकार पार्टी। ये लोग पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर हैं। फिलहाल देखिए बारिश हो गई है और यहाँ पे जो माहौल है वो लोग हैं जो ये तितर बितर हो गए फिलहाल बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डटे हुए हैं पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे जो जाप के कार्यकर्ता है अभी भी बारिश में भीग कर सड़कों पर हैं और पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।